आई प्लस टीवी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्मे रंगो नूर के इस एपिसोड में आप तमाम हजरात का तहे दिल से खैर मकदम, खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मोहतरम अयाज बस्तवी साहब, अहमद वसी साहब, डॉक्टर कलीम ज़िया साहब और महमूद आज़मी साहब। आप तमाम शोरा से इंशाल्लाह बारी बारी उनका कलाम सुनेंगे, उनका मुंतखब कलाम, वो अपना मुंतखब कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आइए नाज़रीन, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। किसी शायर ने कहा है, अभी न छेड़ सबा सुंबुलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। आइए चलते हैं दयारे मदीना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पेश करेंगे। हमारे सामने मोहतरम अयाज बस्तवी साहब। अयाज बस्तवी साहब शायरी का एक मोतबर नाम है, जामिया मज़ाहिरे उलूम सहारनपुर देवबंद से इन्होंने फरागत हासिल की है और नदवतुल उलमा लखनऊ से इन्होंने तकमील अदब किया है। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अयाज बस्तवी साहब, और आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आई प्लस रंगो नूर की बाबत मैं नात पाक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मतला पेशे खिदमत है, समात फरमाई। नबी का वस्त है दोनों जहान की खुशबू। नबी का वस्त है दोनों जहान। नबी का वस्त है दोनों जहान की खुशबू। नबी का वस्त है दोनों जहान की खुशबू। हिरा से आई है लफ्जो बयान की खुशबू। शुक्रिया। ख्याल में है मुअत्तर गुलशन तैबा। ख्याल में है मुअत्तर गुलशन तैबा। बहाल हो गई सब गुलस्तान की खुशबू। बहाल हो गई सब गुलस्तान की खुशबू। ख्याल में है मुअत्तर यूं गुलशन तैबा। बहाल हो गई सब गुलस्तान की खुशबू। नबी का वस्त है दोनों जहान की खुशबू। और शेर समाप्त फरमाए। इरशाद इरशाद। कि बिलाल को हुए रुखसत गुजर गई सदियां। बिलाल को हुए रुखसत गुजर गई सदियां। महक रही है अभी तक अजान की खुशबू। महक रही है अभी तक अजान की खुशबू। जज़ाकअल्लाह। बिलाल को हुए रुखसत गुजर गई सदियां। बिलाल को हुए रुखसत गुजर गई सदियां। महक रही है अभी तक अजान की खुशबू। नबी का वस्त है दोनों जहान की खुशबू। ये नात पाक की बरकत तू देखे ऐ दुनिया। ये नात पाक की बरकत तू देखे ऐ दुनिया। है तुरूद से बढ़कर जबान की खुशबू। है तुरूद से बढ़कर जबान की खुशबू। ये नात पाक की बरकत तू देखे ऐ दुनिया। है तुरूद से बढ़कर जबान की खुशबू। और शेर देखे कि पता की है महव ख्वाब अली और नबी का बिस्तर है। क्या
है महवे ख्वाब अली और नबी का बिस्तर है, फिजा में फैली हुई है मकान की खुशबू, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। है महवे ख्वाब अली और नबी का बिस्तर है, फिजा में फैली हुई है मकान की खुशबू। और शेर आखिर, कहाँ ख्याल मेरा और कहाँ वो खाके हरम, कहाँ ख्याल मेरा और कहाँ वो खाके हरम, ये पी को पाएगी वहम गुमान की खुशबू, ये पी को पाएगी वहम गुमान की खुशबू। कहाँ ख्याल मेरा और कहाँ वो खाके हरम, यकीन को पाएगी वहम गुमान की खुशबू, नबी का वस्त है दोनों जहान की खुशबू। और मक्ता समाज फरमाए, अयाज दिल जो मुअत्तर है तो सबब ये है, आयाज दिल जो मुअत्तर है तो सबब ये है तेरी नात में हुस्न बयान की खुशबू, आयाज दिल जो मुअत्तर है तो सबब ये है तेरी नात में हुस्न बयान की खुशबू। ये थे जनाब अयाज बस्तवी साहब जो नाते पाक से नवाज रहे थे। नाते पाक हो और ये लहजा हो तो आदमी सुनते ही बैठे, लेकिन वक्त की तंग दामानी कि हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। मोहतरम अंजुम साहब ने कहा था कि गुल तो गुल खार मुस्कुराए हैं जब चमन में हुजूर आए हैं, चांद तारों को नींद आई है जब कभी आप मुस्कुराए हैं। क्या कहने भी बाबा, बहुत अच्छे। जिक्र मुस्तफ़ा हो और दिल न मचले ऐसा साहब ईमान का हो ही नहीं सकता। नाजरीन आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम की अगली कड़ी और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मोहतरम शायर अहमद वसी साहब हैं, बीए एलएलबी हैं और विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से वाबस्ता रह चुके हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि मोहतरम हमारे दरमियान हैं और इंशाल्लाह अपना कलाम भी पेश करेंगे। आपकी गज़लों के मजमूए, आपके अशार के मजमूए मकबूल ख़ास आम हो चुके हैं और आपके नसरी मजमूए भी शाये हो चुके हैं और पज़ीराई हासिल कर चुके हैं। मैं मोहतरम जनाब अहमद वसी साहब से बड़े ही एहतराम के साथ इल्तमास करूँगा कि हुजूर अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम अहमद वसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी नज़्म पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है तजदीद। इनायत हो, इनायत, रिन्यूअल। ये शाम दम तोड़ने लगी है, ये शाम दम तोड़ने, क्या बात है भाई, ये शाम दम तोड़ने लगी है, स्याहियां फैलने लगी हैं, मेरी नजर के तमाम मंजर अब आखिरी सांस ले रहे हैं। वाह क्या बात, मेरी नजर के तमाम मंजर अब आखिरी सांस ले रहे हैं, वो झील जिस पे सुहाने ख्वाबों के आईने जगमगा रहे थे, क्या बात, सियाह कोहरे में छुप गई है, बहुत से मासूम नन्हे जुगनू फिजा में लेकिन लपक रहे हैं, बहुत से मासूम नन्हे जुगनू फिजा में लेकिन लपक रहे हैं, लरसते हाथों की उंगलियों में अजीब ख्वाहिश तड़प रही है, लरसते हाथों की उंगलियों में अजीब ख्वाहिश तड़प रही है, ये चाहती है कि जुगनुओं को असीर करके तुम्हारी आंखों के नाम पर फिर इन्हें उड़ा दे, क्या बात, क्या बात, ये चाहती है कि जुगनुओं को असीर करके कहिए, क्या तुम्हारी आंखों के नाम पर फिर उड़ा दे, ये सारे मंजर जो बुझ रहे हैं नजर में फिर जगमगा उठेंगे, क्या बात है, मैं जिससे मायूस हो चला हूँ वो शाम फिर मुस्कुरा उठे, क्या सुभान अल्लाह, क्या खूब वसी भाई, क्या शुक्रिया, क्या तमसील, वसी साहब एक वाकया, बहुत दिलचस्प वाकया, जी आता हो, इजाजत सुनाइए। एक रियाजी के प्रोफेसर थे और एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे,
तो रियाजी के प्रोफेसर थे, तो कॉलेज के जो तलबा थे उर्दू अदब का ज़ौक रखते थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि शोहरा बहुत सुना है रियाजी में आपका, शोहरा बहुत सुना है रियाजी में आपका, तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। अब रियाजी के प्रोफेसर अगले दिन आए, उन्होंने जब ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा देखा तो उन्होंने एक शेर उसमें और बढ़ा दिया कि शोहरा बहुत सुना है रियाजी में आपका, तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। उसके नीचे एक शेर लिखा कि तूले शबे फिराक जो नापा गया अमीर, लैला के जुल्फ से बस दो चार हाथ था। तो ये कैफियत आपके कलाम को सुनते वक्त, जो बाबा आपका कलाम जो दिल के साथ दिमाग को भी अपील कर रहा होता है, यकीन माने वो कैफियत वो नाकाबिले बयान कैफियत होती है, और यकीन है कि नाजरीन भी उस कैफियत से महजूज होते होंगे। मोहतरम अहमद वसी साहब, जारी रखें अपना कलाम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अब गजल के चंद अशआर पेश करता हूँ। खुद को किसी से भी मिलवाना कितना मुश्किल होता है। खुद को किसी से भी मिलवाना कितना मुश्किल होता है। खुद को किसी से भी मिलवाना कितना मुश्किल होता है, अपना तारुफ आप कराना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुद को किसी से भी मिलवाना, खुद को किसी से भी मिलवाना कितना मुश्किल होता है, अपना तारुफ आप कराना कितना मुश्किल होता है। क्या कड़वा सच है भाई, वाह वाह। और खून के आंसू जब आंखों से खुद ही बहने लगते हो, क्या बात, क्या कहते। खून के आंसू जब आंखों से खुद ही बहने लगते हो, तब दिल के जख्मों को छुपाना कितना मुश्किल होता है। नदी किनारे रेत से साजिश पानी और हवाओं की, वाह। नदी किनारे रेत से साजिश पानी और हवाओं की, कोई घरौंदा वहां बनाना कितना मुश्किल होता है। क्या कहिए, कोई घरौंदा क्या वहाँ बनाना कितना मुश्किल होता है। और रोशनी की नन्ही सी किरण भी जिन आँखों में छुपती हो, जी रोशनी की नन्ही सी किरण भी जिन आँखों में छुपती हो, उनके आगे दीप जलाना कितना मुश्किल, उनके आगे दीप जलाना कितना मुश्किल होता है। और दोस्ती अपने दुश्मन के दुश्मन से हो सकती है, मगर दोस्ती अपने दुश्मन के दुश्मन से हो सकती है, मगर मान के शर्तें हाथ मिलाना कितना मुश्किल होता है। क्या सच है भाई, मान के शर्तें हाथ मिलाना कितना मुश्किल होता है। सामने वाले अरे गहरे की नाजेबा हरकत पर, सामने वाले अरे गहरे की नाजेबा हरकत पर अपने आप पे काबू पाना कितना मुश्किल होता है। सामने वाले अरे गहरे की नाजेबा हरकत पर अपने आप पे काबू पाना कितना मुश्किल होता है। किसी मुअज्जिन से पूछो कि ठंडी ठंडी सुबहों में, किसी मुअज्जिन से पूछो ठंडी ठंडी सुबहों में बिस्तर छोड़ के मस्जिद जाना कितना मुश्किल। किसी मुअज्जिन से पूछो, किसी मुअज्जिन से पूछो कि ठंडी ठंडी सुबहों में बिस्तर छोड़ के मस्जिद जाना कितना मुश्किल होता है। और ये शेर आप सबके लिए नहीं है जो सुन रहे हैं जी, कि आह तो क्या एक वाह भी करना जिन लोगों को नहीं आए, आह तो क्या एक वाह भी करना जिन लोगों को नहीं आए, उन लोगों को शेर सुनाना कितना मुश्किल होता है। उन लोगों को शेर सुनाना क्या कितना मुश्किल होता है। खुद को किसी से भी मिलवाना कितना मुश्किल होता है, बहुत अच्छा। अपना तारुफ आप कराना कितना मुश्किल, क्या कहिए। उम्मीद है मजीद नवाजेंगे। देखिए आज का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है उसमें हमारी बहुत सी कदरें ख़त्म हो गई हैं, और उनमें से एक है खतनवीसी। खत लिखे जाते थे और वो एक जज्बाती एक लगाव जो हो जाता था खत के ज़रिए, वो ख़त्म हुआ जा रहा है। इस नज़्म का मौजू यही है, इसका उन्वान है दुनिया कितनी सिमट गई है। पहले हम ये सुना करते थे कि ये दुनिया बहुत बड़ी है,
अच्छा, पहले हम ये सुना करते थे कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तब सचमुच ऐसा होता था, चार तरफ फैली दुनिया को नक्शे में देखा करते थे। चार तरफ फैली दुनिया को नक्शे में देखा करते थे, इसीलिए तब खत लिख लिख कर दूरी दूर किया करते थे, कागज पे काले हरफों में खूने दिल भेजा करते थे, कागज पे काले हरफों में खूने दिल भेजा करते थे, धड़कन से धड़कन का रिश्ता ऐसे जोड़ दिया करते थे, खत का जवाब न जब तक आए दिन तारीख गिना करते थे। इसीलिए सब खत लिख लिख कर दूरी दूर किया करते थे, धड़कन से धड़कन का रिश्ता ऐसे जोड़ दिया करते थे, खत का जवाब न जब तक आए दिन तारीख गिना करते थे। लेकिन अब तो ये देखा है हवा के एक हल्के झोंके से सब कैलेंडर मुड़ जाते हैं, दिन क्या साल भी उड़ जाते हैं, बर्की तारों के घेरे में दुनिया कितनी सिमट गई है, बर्की तारों के घेरे में दुनिया कितनी सिमट गई है, अब दूरी के पुल से गुजरना लोगों को मंजूर नहीं है, और कागज़ पे जज्बात सजाना दुनिया का दस्तूर नहीं है। अब दूरी के पुल से गुजरना लोगों को मंजूर नहीं है, कागज़ पे जज्बात सजाना दुनिया का दस्तूर नहीं है, क्योंकि अब पूरा पश्चिम को लम्हों में जोड़ा जाता है, क्योंकि अब उत्तर का चेहरा दक्कन को मोड़ा जाता है, क्योंकि सारे फासले पल में हेलो कहो तो मिट जाते हैं, और खत लिख कर भेजो तो उसका कोई जवाब नहीं आता। क्या कहिए एक गजल के और चंद शेर सुन लीजिए। कहां अब माए लोरी गा के बच्चों को सुनाती हैं, कहाँ अब माएँ लोरी गा के बच्चों को सुनाती हैं, न नींद आए उन्हें तो नींद की गोली खिलाती है, नींद आए उन्हें तो नींद की गोली खिलाती है, और सुनहरी मछलियाँ चालाक हैं खुद को बचाती हैं, सुनहरी मछलियाँ चालाक हैं खुद को बचाती हैं, मछेरे को ही फैले जाल में अक्सर फंसाती हैं, सुनहरी मछलियाँ चालाक हैं खुद को बचाती हैं, मछेरे को ही फैले जाल में अक्सर फंसाती है, और मुझे रह रहे के जख्मी करती रहती है मेरी सांसें, मुझे रह रहे के जख्मी करती रहती हैं मेरी सांसें, बहुत सी बर्छियाँ तन में उतर के टूट जाती हैं, बहुत सी बर्छियाँ तन में उतर के टूट जाती हैं। और जिया साहब ये शेर सुनिए कि वो फसलें कट गई धरती पे जो सब्जा उगाती थी, वो फसलें कट गईं धरती पे जो सब्जा उगाती थी, नई फसलें तो अब खेतों में बंदूकें उगाती हैं। क्या कहने बाबा, नई फसलें कीजिए, फसलें कट गईं धरती पे जो सब्जा उगाती थी, क्या कहने बाबा, वो फसलें कट गईं धरती पे जो सब्जा उगाती थी, नई फसलें तो अब खेतों में बंदूकें उगाती हैं, और यहाँ रहने को गम ही ने मकान अपना बनाया है, यहाँ रहने को गम ही ने मकान अपना बनाया है, ये खुशियाँ तो भटक के शहर दिल में आती जाती है, यहाँ रहने को दिल ही, यहाँ रहने को गम ही ने मकान अपना बनाया है, ये खुशियाँ तो भटक के शहर दिल में आती जाती है। और मकता यूँ है कि भटक जाता हूँ मैं अहमद वसी जब भी अंधेरों में, भटक जाता हूँ मैं अहमद वसी जब भी अंधेरों में, किताबें बन के जुगनू रास्तों को जगमगाती हैं, किताबें बन के जुगनू रास्तों को जगमगाती हैं। दिल खुश कर दिया आपने माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वसी साहब। एक शेर याद आ रहा है कि वो इत्र दान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, आपके आखिरी मक्ते से कबल के शेर पे, कि वो इत्र दान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। बिला शुबा उर्दू जबान की खुशबू ऐसी है जो हर किसी को अपना असीर कर लेती है, ये खुशबू जिस नाक तक पहुंचती है वो शख्स उर्दू का हो जाता है, क्योंकि उर्दू में जो शीरीनी है वो कहीं और ढूंढने पे भी नहीं मिलती, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे जबान की है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शेर व सुखन ये बरसों की मेहनत का नतीजा होता है, एक शायर अपना जहन जलाता है, अपना खून जलाता है, फिर जा कर के कहीं एक शेर पैदा होता है, कि जब जहन तरन्नुम तपता है एहसास के शोलों में पहम, तब जाके कहीं अहले कलम एक शेर गजल का होता है। क्या बात है, वाह वाह। एक वाकया और याद आ गया गजल के हवाले से, कि इकबाल साहब थे तो लोगों में मशहूर था कि अल्लामा इकबाल ये बर्जस्ता शायरी नहीं करते, चुनांचे एक जगह गए तो मिसरे तरह दिया गया,
अल्लामा इकबाल साहब को, और बहुत ही मुश्किल मिसरा है तरह। मिसरा क्या था कि मछलियां दश्त में और हिरन पानी में। जी भाई, ये क्या चीज हुई कि मछलियां दश्त में और हिरन पानी में। जी, यहाँ फिक्रो जहन को जलाना था और जला करके कोई ऐसा मिसरा तख्लीक करना था जो एक मुकम्मल शेर बन जाए। चुनांचे डॉक्टर इकबाल साहब ने बर्जस्ता कहा कि अश्क से दश्त भरे, आह से सूखे दरिया। क्या कहने, अश्क से दश्त भरे, आह से सूखे दरिया, मछलियां दश्त में और हिरन पानी में। तो नाजरीन, शेर गोई बहुत मुश्किल फन है। इसके लिए अगर आप हमारे शोरा को सुने, और हाँ, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि हमारे शोरा का कौन सा मुंतखब शेर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहेंगे, वो जरूर लिखें। तो नाजरीन, यूं ही शेर गोई से शायरी नहीं आती, फिक्रो फन के मकतब में दाखिला जरूरी है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह वक्त की तंगी हमें इजाजत नहीं दे रही है, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम इसी बज्म को आगे बढ़ाएंगे और मिलेंगे अपने नए दो शोरा के साथ, और आपके सामने वो अपना कलाम पेश करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और यकीनन ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब, अपने मुतालिकीन को फॉरवर्ड करें, और आई प्लस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।